हेलो दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ झारखंड की राजधानी रांची में। वेलकम टू रांची। आज का मेरा ब्लॉग रांची टूर है। तो आज मैं रांची के सड़कों में हूँ और मैंने यहाँ से रिक्शा बुक कर लिया है। आज मैं रिक्शा से पूरे रांची का दौरा करने वाला हूँ, तो चलिए चलते हैं। इस वक्त मैं रातू रोड में हूँ और रातू रोड से मैं जा रहा हूँ वेंडर मार्केट। वेंडर मार्केट में सालों भर यहाँ पर सुनते हैं कि सालों भर यहाँ पर जो है सेल लगा रहता है। तो चलिए पहुँचते हैं हम लोग वेंडर मार्केट और देखते हैं वहाँ का नज़ारा। तो इस वक्त मैं वेंडर मार्केट के बाहर में खड़ा हूँ। काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, काफ़ी सारा बाहर से सेल दिख रहा है। चलिए अंदर चलते हैं और अंदर चलकर देखते हैं अंदर का पूरा नज़ारा। वेंडर मार्केट के ये अंदर का सीन, चारों तरफ सेल ही सेल नज़र आ रहा है। चारों तरफ सेल ही सेल है, देखिए एक से एक कपड़े की दुकान यहाँ पर नज़र आ रही है। कपड़ा है, बैग है, पर्स है, जूते चप्पल की दुकान। ये जो मेन वेंडर मार्केट का जो एरिया है, ये पूरे फोर्थ फ्लोर में बना हुआ है। बहुत ही बिग प्लेस है। मुझे लगा वेंडर मार्केट छोटा मोटा होगा, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ा है। फोर्थ फ्लोर का ये मार्केट है, वेंडर मार्केट जो रांची में है। ये देखिए बहुत बड़ा मार्केट है। इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो बहुत बड़ा है। लिफ्ट की भी सुविधा है, सीढ़ी है प्लस लिफ्ट भी है, क्योंकि फोर्थ फ्लोर में चढ़ना उतरना सब के लिए संभव नहीं होता। एक से एक चप्पलों की सेल यहाँ पर है। अभी ईद का मार्केट भी चल रहा है। ईद का त्यौहार बहुत करीब है, ईद की ख़रीदारी अभी चल रही है। लोग शौक से इस मार्केट में आ रहे हैं ख़रीदारी करने के लिए। एक से एक चप्पल जूते की दुकान, एक से एक डिज़ाइन में आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। वेंडर मार्केट में यहाँ के दुकानदारों से पता चला कि यहाँ पर साल भर जो है ऑफ़र चलते रहता है। साल भर का जो है कस्टमर लोगों को डिस्काउंट में ही यहाँ पर मिलता है। वेंडर मार्केट ही बना है सेल कम रेट में जो है सेल करने के लिए। हमेशा यहाँ पर सस्ता सामान मिलते रहता है। तो मैंने भी सुना था, मैं जब रांची पहुँचा तो मुझे भी पता चला कि वेंडर मार्केट जो है बहुत सस्ते दामों में यहाँ पर सामान मिलता है, यहाँ पर सेल लगा रहता है। तो मैंने भी सोचा कि चलिए आज वेंडर मार्केट की सैर कराते हैं। ये देखिए वेंडर मार्केट का फोर्थ फ्लोर का एरिया, देखिए ये नीचे से आपको दिखा रहे हैं, ऊपर कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। सालों भर यहाँ पर कुछ ना कुछ का सेल चलते रहता है। हमेशा यहाँ पर डिस्काउंट में ही आपको हर सामान मिल जाता है। देखिए लिफ्ट का भी सुविधा है, यहाँ पर लिफ्ट लगा हुआ है, लेकिन मैं सीढ़ी से जाऊँगा ऊपर, क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना था। तो मैं सीढ़ी से अभी ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर की ओर चढ़ रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर में, और देखता हूँ कि ऊपर का नज़ारा क्या है। तो चलिए पहले ऊपर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर और ऊपर देखते हैं ऊपर में किन किन चीज़ों का सेल लगा हुआ है। तो ये रहा फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर में मैं एंट्री मार दिया हूँ। ये देखिए पहले मैं नीचे था, अभी मैं फर्स्ट फ्लोर में आ गया हूँ। नीचे मैं यहीं पर खड़ा हुआ था और यहीं से मैंने ऊपर की ऊंचाई आप लोगों को दिखाई थी। अब देखिए ऊपर से मैं नीचे देख रहा हूँ, चारों तरफ सेल ही सेल दिख रहा है। कपड़ा स्पेशल फॉर कपड़ा का, इस साइड का कपड़ा का एरिया है, जहाँ पर आपको रंग बिरंगे कपड़े एक से एक डिज़ाइन में बिल्कुल कम कीमत पर मिल जाएंगे।
बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत बड़ा एरिया है इसका, वेंडर मार्केट का। आखिर रांची हमारी झारखंड की राजधानी भी तो है, तो यहाँ पर छोटा मोटा सेल तो होगा ही नहीं, यहाँ पर तो बड़ा बड़ा सेल लगता है। यहाँ पर देखिए बेल्ट, पर्स, थैला वगैरह भी यहाँ पर मिल जा रहा है, लेडीज़ के लिए जूती, चप्पल। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चारों तरफ सेल ही सेल नज़र आ रहा है। कहीं 50% डिस्काउंट है, कहीं 70% डिस्काउंट है, कहीं 20% डिस्काउंट है। देखिए जीन्स जैकेट, ट्रॉली बैग भी है, वीआईपी बैग भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। सामने ये देखिए शीशे का कप है, प्याला है, बहुत ही खूबसूरत कॉम्प्लेक्स ये लगा मुझे, बहुत ही खूबसूरत मार्केट लगा, बहुत ही खूबसूरत बाजार है। काफ़ी भीड़ थी। देखिए ये एंट्रेंस गेट है, यहीं से मैं आया था, अभी मैं ऊपर से इस साइड देख रहा हूँ, इंट्री गेट यही है, यहीं से इंटर करते हैं लोग। काफ़ी अच्छा लगा यह मार्केट आकर, बहुत ही अच्छा लगा इस मार्केट में आकर के। मैंने भी बहुत सारी ख़रीदारी की है, जीन्स, ट्राउज़र, चप्पल, जूते, साड़ियाँ मिल जाएंगी, फ्लावर्स मिल जाएंगे। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, देखिए लिफ्ट है, अब मैं इसके बैक साइड का एरिया दिखाता हूँ कि बैक साइड में इसका क्या है। पार्किंग एरिया, वेंडर मार्केट का पार्किंग एरिया, इसके बगल में एक पार्क भी है जहाँ शाम को बच्चे लोग मनोरंजन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। बच्चे लोगों को खेलने के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी सुविधा है। वेंडर मार्केट के ये जो नीचे में देख रहे हैं ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पर गाड़ी पार्क किया जाता है। और बगल में एक पार्क दिख रहा है आपको, बहुत ही बिग प्लेस है। तो अब चलिए चलते हैं नीचे। तो अब मैं लिफ्ट से चल रहा हूँ नीचे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गई है और मुझे यहाँ से फिरायलाल चौक भी जाना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लिफ्ट से नीचे उतर जाऊं। ये देखिए मैं लिफ्ट से नीचे आ गया, अब मैं यहाँ से चलता हूँ बाहर की ओर, जहाँ पर मेरा रिक्शा खड़ा है, मेरा इंतज़ार कर रहा है। लोग बोलेरो, स्कॉर्पियो बुक करते हैं, मैंने रिक्शा को बुक किया क्योंकि सब कुछ ओपन रहता है रिक्शा में और मैं वहाँ से अपना व्लॉग बना सकता हूँ, इसलिए मैंने रिक्शा को अब जो है बुक कर लिया। अब मैं रिक्शा में बैठ गया हूँ, अब मैं यहाँ से चलता हूँ फिरायलाल चौक और दिखाते हैं आप लोगों को फिरायलाल चौक का नज़ारा। फिरायलाल चौक में, फिरायलाल चौक समझ लीजिए कि एक खाने का हब है, वहाँ पर आपको खाने से रिलेटेड सारा एक से एक चीज़ मिल जाएगा, बिरयानी से लेकर के, रोल से लेकर के, लिट्टी चोखा हो गया या फिर पनीर रोल हो गया। कहा जाए कि खाने से रिलेटेड अगर आपको खाना खाना है, अच्छा से अच्छा आइटम खाना है, तो आप फिरायलाल चौक पहुंचिए। फिरायलाल चौक में स्पेशल इन सभी चीज़ों का हब है। तो फिरायलाल चौक पहुंचते हैं, मैं अभी अपने रिक्शे में हूँ और रिक्शे वाले भैया चला रहे हैं। ये है फिरायलाल चौक का एरिया, फिरायलाल चौक में पहुँच गया हूँ। ये मेन चौक फिरायलाल चौक का हो गया मेन एरिया। और यहाँ के देखिए बगल में एक साइड जो एक कतार से जो आप देख रहे हैं लगातार, यहाँ पर मोमो से लेकर के, मोमोस जो है मिल जाएगा, चिकन चिल्ली, पनीर चिल्ली, वेज का आइटम, नॉन वेज का आइटम, सारा आइटम आपको यहाँ पर मिलेगा। फिरायलाल चौक से निकल चुका हूँ मैं दिल्ली मार्केट के लिए। सुना है दिल्ली मार्केट में भी एक से एक दुकानें वहाँ पर कपड़े से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, बहुत सारे लच्छे, मिठाइयाँ। अभी ईद का त्यौहार सामने है तो वहाँ का भी नज़ारा देखते हैं। तो इस वक्त मैं निकल चुका हूँ, हमारे रिक्शे वाले वहाँ पर भैया खड़े थे,
अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, मैं फिरालाल चौक से दिल्ली मार्केट जा रहा हूँ। दिल्ली मार्केट में जाके देखता हूँ कि दिल्ली मार्केट का नज़ारा वहाँ पर क्या चल रहा है। तो धूप काफ़ी थी और रांची में भी गर्मी काफ़ी पड़ती है, तो इस धूप में मैंने सोचा चलो रिक्शा ही कर लेते हैं, क्योंकि टोटो या ऑटो या फिर अगर कार वगैरह करेंगे तो मुझे व्लॉग बनाने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैंने रिक्शा कर लिया, ताकि रिक्शा में सब कुछ खुला खुला होता है और मुझे व्लॉग बनाने में कोई असुविधा ना होगी इसमें, इसलिए मैंने निकल पड़ा दिल्ली मार्केट की ओर। तो चलते हैं दिल्ली मार्केट, बस कुछ ही देर में हम लोग दिल्ली मार्केट की ओर होंगे। ये दिल्ली मार्केट का ही एरिया है जहाँ से आप जा रहे हैं, दोनों साइड में बाज़ार दिख रहा है आपको, दोनों साइड मार्केट लगा हुआ है। और रांची में दोपहर का समय था, तो दोपहर के वक्त तो काफ़ी खुला खुला होता है, उतना ट्रैफिक भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। तो ये है दिल्ली मार्केट। दिल्ली मार्केट में भी काफ़ी सेल लगी हुई थी, काफ़ी कम कीमत में यहाँ पर भी सामान मिल जाता है आपको, कपड़ा से रिलेटेड कोई भी आइटम आप ले सकते हैं, खाने पीने से रिलेटेड भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये है आपका दिल्ली मार्केट, जहाँ काफ़ी रंग बिरंगे सेल लगी हुई थी, ये बच्चे लोगों के लिए एक से एक डिज़ाइन में काफ़ी बड़ा मार्केट है। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ पर भी आकर के एक से एक डिज़ाइन में आपको यहाँ पर सेल मिल जाएगा। सेल में सारे कपड़े देखिए कितने कम कीमत में। रमज़ान का महीना है और ईद करीब है, तो देखिए लच्छे की दुकान यहाँ पर, एक से एक लच्छा, हाथ का लच्छा, मशीन का लच्छा, बकरखानी वगैरह भी मिल रही है। अब मगरिब का समय होने वाला है, अब मुझे रोज़ा खोलने के लिए जाना होगा। रोज़ा क्या खोल करके आता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाता हूँ शाम का नज़ारा। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा मैंने खोल लिया है, मैं तो दिल्ली मार्केट में ही था, मैंने रोज़ा यहीं पर खोला। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर कि लच्छा यहाँ पर कैसा कैसा मिल रहा है, लच्छा, बकरखानी, एक से एक बड़ा से लेकर के छोटा से लेकर बकरखानी यहाँ पर मिल रही है, और लच्छे के भी एक से एक दुकानें हैं, हाथ लच्छा, मशीन लच्छा, तरह तरह की दुकानें, काफ़ी अच्छा लग रहा है शाम को यहाँ पर। बकरखानी है, लच्छा देखिए, ये वाइट वाला लच्छा बहुत महीन है, ये मशीन का लच्छा है। एक लाइन से यहाँ पर लगातार आपको दुकानें मिल जाएंगी। रमज़ान का महीना है और ईद का मार्केट यहाँ पर चल रहा है, ईद का बाज़ार चल रहा है। काफ़ी अच्छा लगा दिल्ली मार्केट में आकर। अब दिल्ली मार्केट से ये रिक्शे वाले भैया मुझे रेलवे स्टेशन पहुँचा देंगे, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और मुझे रांची जंक्शन जाना है, क्योंकि रांची जंक्शन से ही मुझे ट्रेन पकड़ना है घर के लिए अपने। तो रांची जंक्शन जाना है तो दिल्ली मार्केट से ही मैंने रिक्शा कर लिया, क्योंकि यहाँ पर टोटो ऑटो अलाव नहीं है, इसलिए रिक्शे वाले भैया को ही मैंने कह दिया कि आप मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ दो। ये देखिए नाइट का नज़ारा, रात का नज़ारा यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। रांची वाकई में, रांची झारखंड की राजधानी, काफ़ी खूबसूरत है। एक से एक बाज़ार यहाँ पर है, स्टाइल बाज़ार, बिग बाज़ार, रिलायंस का बड़ा बड़ा मॉल है यहाँ पर। ये देखिए दोनों तरफ बड़ा बड़ा मार्केट, बड़ा बड़ा शॉप, बड़ा बड़ा बाज़ार आपको नज़र आ रहा है। रांची में नाइट का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है, चारों तरफ लाइट ही लाइट दिख रहा है। पहली बार मैंने रिक्शा में इतना सारा ट्रैवल किया। काफ़ी बड़े बड़े ज्वेलरी की शोरूम यहाँ पर है, एक से एक ज्वेलरी की शोरूम यहाँ पर है। खास करके ईद का त्यौहार है, इसलिए कपड़े की दुकान में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है,
कपड़े की दुकान में लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, क्योंकि ईद का अभी खरीदारी चल रहा है। लोग लाइन लगा लगा कर कपड़े ले रहे हैं। लेदर की एक से एक शोरूम, कपड़े की खरीदारी यहाँ पर कितने भीड़ है कपड़े की दुकान में। देखिए लोग कितनी लाइन लगा कर कपड़े ले रहे हैं, काफ़ी भीड़ देखने को यहाँ पर मिल रहा है। रमज़ान का महीना चल रहा है, ईद काफ़ी करीब आ चुका है और ख़रीदारी जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि ईद में सब लोग कपड़े, जूते, गहने, जेवर, रुमाल, टोपी, मोजा तक खरीदते हैं, इसलिए ईद में सबसे ज़्यादा खरीदारी होती है, सबसे ज़्यादा भीड़ चलती है। लोगों को दिल खोल कर ख़रीदारी करने का मौका मिलता है। ईद का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है रांची का। वाकई में रांची काफ़ी खूबसूरत शहर है। कुछ ही देर में हम रांची जंक्शन पहुंचने वाले हैं। बाज़ार कोलकाता, देखिए बाज़ार कोलकाता होते हुए हमारे रिक्शे वाले भैया मुझे पूरे रांची घुमा घुमा कर ले जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है व्लॉग बनाने में, क्योंकि अगर मैं दूसरा कोई गाड़ी बुक कर लेता तो इस तरह का व्लॉग नहीं बना पाता। ये रिक्शे वाले भैया ने मुझे काफ़ी अच्छे से घुमाया, बहुत अच्छा लगा घूमने में। रांची में नाइट का नज़ारा बहुत अच्छा लगा। अब कुछ ही देर में हम रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। ये रेलवे स्टेशन के बगल का सीन है। यहाँ से पास ही पड़ता है रेलवे स्टेशन रांची जंक्शन, जहाँ से हमारी ट्रेन है। तो बस कुछ ही देर में हम रांची जंक्शन पहुंच जाएंगे और वहां से अपने घर के लिए रवाना होंगे ट्रेन पकड़कर। लगातार एक से एक शोरूम, बड़ा बड़ा शोरूम है राजधानी रांची में। ये रेलवे स्टेशन के बगल का सीन है। रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर हम लोग हैं अभी। ये रोड को क्रॉस करते ही हमें रेलवे स्टेशन का रोड दिखेगा। रेलवे मतलब स्टेशन रोड हम लोग पहुंच जाएंगे। बस कुछ ही दूर में रेलवे स्टेशन है। रात काफ़ी हो गई थी घूमते घूमते, पता ही नहीं चला कब सुबह से शाम हो गया और शाम से रात। पहली बार मैंने रांची में रात के समय इतना घूमा, इतना समय बिताया। नहीं तो जब भी मैं जाता था काम करके सुबह से शाम लौट जाता था, लेकिन आज मैं सुबह में घूमा, दोपहर में घूमा, शाम और रात को भी अभी रिक्शे से ट्रैवल कर रहा हूँ। पहली बार मैंने इतना रिक्शे में ट्रैवल किया, काफ़ी अच्छा लगा। रात के समय रिक्शा पूरा खुला होता है तो हवा भी काफ़ी आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडा ठंडा हवा था क्योंकि दिन में धूप तो काफ़ी था। रात के समय में बहुत अच्छा लग रहा था और रात में भी काफ़ी लोग दिख रहे थे, क्योंकि ईद की ख़रीदारी चल रही है, ईद का बाज़ार चल रहा है अभी, इसलिए खास करके काफ़ी भीड़ देखने को मिला। और रांची में एक से एक शोरूम, आपको एक से एक वैराइटीज़ मिल जाएगी। नया से नया अपडेट अभी जो चल रहा है वो सब डिज़ाइन के कपड़े, गहने, चप्पल, जूता सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। तो रांची क्यों ना मिले, आखिर रांची झारखंड की राजधानी है, तो राजधानी में ये सब नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। वाकई में रांची एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा सिटी है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। अब हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। बस
10-20 मीटर की दूरी पर ही रेलवे स्टेशन है। यहाँ से रेलवे का ब्रिज नज़र आ रहा है, रांची जंक्शन का ये नज़ारा। रांची रेलवे स्टेशन काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है नाइट के समय में। मैंने पहली बार इतना खूबसूरत देखा रांची जंक्शन को, क्योंकि जब भी मैं यहाँ से ट्रैवल करता था तो शाम को करता था या सुबह सुबह आ जाता था तो ये दिखता नहीं था। कितना अच्छा लाइटिंग का यहाँ पर काम किया हुआ, कितना खूबसूरत रांची जंक्शन को बनाया गया है, सजाया गया है, बहुत अच्छा लगा यहाँ कर। तो अब मैं सुबह से रात तक थक गया हूँ, अब मैं रांची जंक्शन पहुंच गया हूँ। बस कुछ ही देर में हमारी ट्रेन आएगी और मैं उसमें चढ़कर सो जाऊँगा और अपने घर पहुँच जाऊँगा। ये है रांची जंक्शन। तो मैं चला अब प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर, क्योंकि हमारी ट्रेन वहीं से जाएगी। रांची जंक्शन का ये नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। बस कुछ ही देर में हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा है तो मुझे अंदर जाना होगा। तो मैं चला अंदर और हमारी ट्रेन आ चुकी है। बस अब मुझे ट्रेन में बैठना है और अपने घर पहुंच जाना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में।